दिल्ली के अंबेडकर भवन में ऑल इंडिया अनरजिस्टर्ड डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एनएमसी बिल के खिलाफ देश भर के शिक्षा मित्रों द्वारा सरकार के इस कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार को इस कानून में संशोधन के लिए मांग की जाएगी। देश भर में इस कानून के आने से 5 करोड़ डॉक्टर्स बेरोजगार हो जाएंगे। अभी तक 10 राज्य के प्रतिनिधि इस आंदोलन में जुड़ गए हैं, जिसमें लगभग 5 लाख डॉक्टर्स धरना करेंगे। एनएमसी बिल के तहत सभी लोकल डॉक्टर जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनको झोला छाप डॉक्टर्स की कैटेगरी में रखना चाहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्वास्थ्य मित्र ही सबसे पहले काम आते हैं। हम जितना भी हिंदुस्तान में आरएमपी डॉक्टर है, यूआरएमपी डॉक्टर, ये लोग समाज के कल्याण के लिए सारी काम करते हैं। कोई भी झुग्गी झोपड़ी, कोई भी बस्ती, कोई एमबीबीएस जाना तो दूर के बाद है, वहाँ पे गुजरना भी नहीं चाहता है। क्लिनिक तो दूर के बाद है, वहाँ पे गुजरना नहीं चाहता है। तो हम चाहते हैं, हमारी मांग सरकार पूरा करे। हमारी आरएमपी फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट डॉक्टर श्री भास्कर दिल्ली स्टेट का। लंबे समय से दिल्ली प्रदेश में झुग्गी झोपड़ियों में, अनसाइज कॉलोनियों में, शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जो हमारे चिकित्सक साथी हैं, उनकी मांग को लेकर के 1992 से दिल्ली प्रदेश के आरएमपी फेडरेशन के साथियों ने जंतर मंतर, राजघाट और तमाम जगहों पे मंतर पढ़ा। सरकार के कान पे समय समय पे जूरेगा, और जैसे देश की जनता को केंद्र सरकार ने लॉलीपॉप देने का काम किया, जहां झोपड़े वही मकान, यह है भारतीय जनता पार्टी का ऐलान, ना झोपड़ियों के यहां मकान दिया गया, उसी प्रकार से हम गरीब मजलूमों के साथ जुर्म ढाया जा रहा है। हम गरीब मजलूमों की ईमानदारी से सेवा करते हैं, लेकिन एक केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार हमारे साथ जो अन्याय कर रही है, हमें अपमान करने का काम कर रही है। हम इस मंच के माध्यम से सारे मीडिया साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं, जो आप लोगों ने हमारी बात को उठाने का रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ कह रहा हूँ, दिल्ली और केंद्र की सरकार की नीतियों का हम घोर निंदा कर रहे हैं, जो हम लोगों के साथ धोखा छलावा कर रही है। एक तरफ उसके सांसद आवाज उठाते हैं, पार्लियामेंट में देखेंगे रमेश बिदुड़ी जी, देश की सबसे बड़ी पंचायत में कि डॉक्टरों को रेगुलराइज किया जाए, यही डॉक्टर हर्षवर्धन हमारी मांग को उठाते हैं। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विधानसभा में हमारे लिए आंदोलन चलाते हैं, धरने पे बैठते हैं, लेकिन आज पर्दे के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी साफ सुंदर का खेल खेल रही है, उसका पूरे आरएमपी डॉक्टर साथियों की तरफ से मैं घोर निंदा करता हूं। दोस्तों मित्रों, हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, हमने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है, हमने दिल्ली के गवर्नर को ज्ञापन दिया, हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, हमें लेटर मिलता है, हमें वहां से आश्वासन मिलता है कि अनुभव के आधार पे दिल्ली नहीं, देश के आरएमपी डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने का अधिकार मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, आरएमपी जो है, वो गांव के एरिए में सर्विस दे रहे हैं, जहां सरकारी तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, और गांव के लोगों की यदि आर्थिक व्यवस्था वो भी अच्छी नहीं है, और साथ में जो क्वालिफाइड लोग हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनकी फीसें बहुत ज़्यादा है, वो करने पे करने के जो क्या जो गांव वाले हैं या सलामी एरिए में कम आय वाले जो लोग रहते हैं वो नहीं देते। हम उनके आज के लिए मसीहा या हमें लोग बोलते हैं, रब हमें बोलते हैं, और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि स्टेट की वक्त सरकारों ने, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा बाक स्टेट का संघर्ष रहा है, हमारा पंजाब का रहा है, हरियाणा का रहा है, या मतलब दूसरे सर कितना टाइम हो गया, हरियाणा का रहा है, हरियाणा पंजाब में हमारे को सरकार ने जो मैनिफेस्टो था, जो मैनिफेस्टो था उसमें डाला है, चौन मैनिफेस्टो में भी हमारी मांग को डाला है कि करवा सकते हो। हमारा पंजाब का जी है, पंजाब का जो इलेक्शन पीछे हुआ 2 साल पहले, तब हमें वहाँ की सरकार ने जो मंत्र नंबर 16 है उसमें डाला है जी,
लेकिन अभी तक सरकार ने नहीं किया। और इसी तरह खाली एक दिखावा है, लेकिन चुनाव का एक लॉलीपॉप जनता को दे दे वही आप लोगों के साथ किया। वो अभी भी जो जिमनी चोल जो हो रही है, वहाँ चार जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हम जो गवर्नमेंट का, कांग्रेस गवर्नमेंट का विरोध करेंगे, और यही चेतावनी हम जहां पे भी देंगे। हम जहां की सेंटर सरकार को भी कहेंगे कि हम जब गांव में जाएंगे, आपने पूछा है कि गांव में जाके लोगों से आप क्या करेंगे, लोगों को हम बताएंगे कि जो एनएमसी बिल 2019 की धारा जो 32 है, जिसमें ये प्रोविजन है, जैसे अध्यक्ष साहब ने बताया है, जिसमें ये प्रोविजन है कि सरकार अगर चाहे, सेंट्रल सरकार अगर चाहे तो वो हमारा जो ये प्रैक्टिस करने वाला अधिकार है वो हमें दे सकती है। जैसे वो यूथ डॉक्टर्स को ब्रिज कोर्स करवा रही है, पैरामेडिकल कोर्सेज वालों को ब्रिज कोर्स करवा रही है, उसी तरह क्यों हमारे पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, 30-40 वर्ष का एक्सपीरियंस है, हमारे कई लोग जो 88 ईयर के हो गए, हमारी मेरी अपनी एज जो 60 की है, और ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनका 40-40 वर्ष का, 30-20 वर्ष का तजर्बा है, उनको भी जो ब्रिज कोर्स जो करवाया जा सकता है, और साथ में अदर स्टेट से जो रजिस्टर हैं उनको भी सेम स्टेट जिस स्टेट में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको जो माइग्रेशन की जा सकती है। अच्छा सर, अगर विश्वास मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो अभी केंद्र सरकार ने जो एनएमसी बिल पास किया है, जो लोकसभा में राज्यसभा में पास होकर के राष्ट्रपति जी की मोहर लगा हुआ अभी कानून प्रोसेस में है, तो मैं चाहता हूँ उसमें जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर का जो सेक्शन 32 में रखा गया है, वो जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर रखा गया है, वो जो हमारी देश में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मैं चाहता हूँ उनको एक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण दे करके स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ना बड़ा बड़ा MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर जो MD डॉक्टर होते हैं ना वो जाना चाहते हैं ना वो जाते हैं, इसीलिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव देहात में जो गरीब जनता है, आधुनिक जनता के जो इलाज वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं जो RMP झोला साहब डॉक्टरों से, तो उनके जान के खतरे रहते हैं, तो इसीलिए जो वहाँ पे जो इस तरह के से डॉक्टर है तो उनको तो प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वो बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे पाए और जो देश का स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें उनको मुख्य धारा में लाया जाए। इसके लिए जो ये बात है आपकी, ये बात आपने अपनी तरफ से कहीं पहुँचाई, आपने सरकार को पहुंचाई? इसकी बात से जो ये कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर के हिसाब से जो अंडरस्टैंड मेडिकल प्रैक्टिशनर इनको मान्यता देने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया, स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी को ज्ञापन दिया है, डॉक्टर जितने भी केंद्र कैबिनेट मिनिस्ट्री कैबिनेट मिनिस्ट्री है सब में कैबिनेट मिनिस्ट्री में हमारी ज्ञापन है, हम लोग चाहते हैं यह सरकार इस फैसले को जल्द से जल्द ले और देश का स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो। हम लोगों के लिए हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक जो गाँव देहात में प्रैक्टिस कर, जो हमारे अध्यक्ष ने बताया कि NMC की बिल आई है, उस बिल के तहत हम लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने के लिए संविधान में बात है। हम लोग किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं करते, हम लोग आतंकवादी का बोली नहीं बेचते, हम लोग जान बचाने का बोली बेचते, और हम लोगों के ऊपर इस तरह का एक फंदा लगाया जा रहा है, इस प्रकार हम लोग एक आतंकवादी है, पूरे देश में RMP डॉक्टर नहीं एक आतंकवादी, जब हमारे मंच पर प्रदेश के भारत देश के MP MLA आते हैं तो एक ही बात करते हैं कि पहले तो आप जनता के सेवक हैं, पहले जनता आपके पास आती है तो उसके बाद आप इलाज करते हैं, लेकिन जब वो सदन में जाते हैं तो सारी बातों को भुला जाते हैं। मैं वही बातों उनको याद दिलाना चाहता हूं, माननीय राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली जी ने भी संसद में ये बात उठाई है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनकी सेवा करते हैं, उन्हें इस तरह की काम के तरह क्यों लाया जाए और उन पर क्यों दंडात्मक कार्रवाई किया जाए, उनके भी बाल बच्चे हैं, जितने भी RMP डॉक्टर हैं उनके भी जो बाल बच्चे हैं, जो MBBS हैं, DM हैं, कलेक्टर हैं, सब लोगों से ये बात होती है, लेकिन हम लोग का मेन मांग है कि हमारे पूरे भारत में WHO के अनुसार हम लोग 5 करोड़ की संख्या में, अब 5 करोड़ संख्या के लोगों को अगर नजरअंदाज किया जाए ये अच्छी बात नहीं है,
इसलिए कि हम लोग स्वास्थ्य की सेवा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो किसान हैं, जो मजबूर हैं, जो 500 किस्त नहीं दे सकते हैं, गांव से शहर आने के लिए उनके पास भाड़ा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाते हैं बहुत सारे बीमारियों को, जैसे जो जो चड़क जी है, चड़क जी का ही दिया हुआ है मेडिकल संस्थान है, क्या डिग्री, कुछ डिग्री नहीं। एक तो हम लोगों को क्यों ऐसे बलि का बगड़ा बनाया जाए, हम लोग जनता की स्वास्थ्य की सेवा करते हैं, रात में 12 बजे भी कोई अगर दरवाजा खटखटा दिया, आई एम रेडी।